जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया हो। मैं आप लोगों का दोस्त एक सोल्जर फेर्डौस मंडल। अब दोस्तों आप लोगों को प्रीडिफेंस एकेडमी में वेलकम है। दोस्तों कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, लगभग 6 दिन पहले। उसमें मैं एसएससी का ऑनलाइन डेट एक बताया था और उसमें बताया था अप्रैल महीना 12 से 15 तारीख के अंदर आप लोगों का एसएससी कांस्टेबल जीडी का ऑनलाइन डेट हो सकता है, नहीं तो अगस्त महीना में होगा। बहुत सारा मेरा दोस्त लोग मुझे बहुत सुखचिंतक मुझे है, वो बहुत कमेंट किया, गंदी गंदी गाली भी दिया, तो उससे तो मुझे कुछ भी नहीं जाता था। दोस्तों मैं वही सेम चीज़ बोल रहा हूँ, मेरे पास अभी तक जो न्यूज़ है आप लोगों का वही डेट मार्च महीना 2018 को आप लोगों का एसएससी कांस्टेबल जीडी का फॉर्म आएगा। आ सकते हैं बोला था, अभी बोलेंगे आएगा, नहीं आएगा तो अगस्त महीना कन्फर्म, पर अभी बोल रहा हूँ क्या आएगा, ठीक है आएगा। मेरे पास जितना भी न्यूज़ है आपका ज़्यादा खुश होने का जरूरत नहीं है, जो मेरा सुखचिंतक है उसके पास बोल रहा हूँ। से ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ, आप लोगों का अच्छा नहीं लगता है तो अनसब्सक्राइब करके निकल जाओ, ठीक है। हम सिर्फ एक बंदा भी मुझे जो स्टूडेंट है जिसको ज़रूरत है वो रहेगा तो बढ़िया, क्योंकि मैं यूट्यूब से अर्निंग नहीं करता, ना मेरा यूट्यूब से कोई ऐड आता है, पर मेरा जो आप लोगों के पास जो न्यूज़ था वो परफेक्ट है। तो मालूम है आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी का फॉर्म पक्का आ रहा है। आपका अभी कुछ दिन पहले एसएससी ऑफिस में जब फोन करते थे कोई भी बंदा, उसका कोई आंसर नहीं मिलता था। आज भी मैं फ़ोन किया था, कलकत्ता में फ़ोन किया था, रीजनल ऑफिस में फ़ोन किया था, बहुत जगह फ़ोन किया था, पर हर जगह में कोई आंसर नहीं मिला। एक जगह एक ऑफिस में मुझे मिला आंसर, वो जो आंसर मिला है उसमें बोला है एसएससी कैलेंडर चेंज होगा, अगले महीने 30 तारीख से 1 तारीख के अंदर एसएससी कैलेंडर चेंज होने वाला है, ठीक है दोस्तों। और आप लोगों का जो मैं डेट दिया था, मुझे लगता है वही डेट के अंदर आप लोगों का एसएससी कांस्टेबल जीडी का फॉर्म आ जाएगा, तो आप तो थोड़ा खुश हो जाओ और तैयारी शुरू कर दो। कुछ बंदा ने मुझे ऐसे बोला था जो सर जी पक्का आएगा, अरे यार इस चीज के लिए ही वीडियो बनाया, फिर दोबारा पूछने का क्या जरूरत है। जो मेरा सुखचिंतक है, जो डेट में बताया था वो डेट के बाद नहीं मिलता तो बता सकते थे, उसके पहले मुझे बहुत ये कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिक्वेस्ट है मेरा, एक रिक्वेस्ट रखो आप लोग, जिसको अच्छा नहीं लगता प्लीज़ आप ये चैनल छोड़ के चले जाओ, क्योंकि उससे ही फायदा है। हम नहीं चाहते कोई नालायक स्टूडेंट मेरा इस चैनल में रहे। जैसे मेरा एकेडमी में ओनली लायक स्टूडेंट का ही एडमिशन होता है, उसको मेडिकल किया जाता है, मेडिकल में जो सही बंदा है सिर्फ उसको ही एडमिशन दिया जाता है, उसको मेजरमेंट किया जाता है, मेजरमेंट में जो सही है उसको ही एंट्री दिया जाता है। मेरे हाथ में ऐसा कुछ हुए रहता जो YouTube वाला जो मेरा सर्च कर रहे हैं, जो मेरा दोस्त है वो तो वेलकम है, उसके लिए हर टाइम मेरा वेलकम है, पर जो नालायक बंदा आते हैं ना उसको भी मैं घुसने नहीं देता, ठीक है। YouTube के ऊपर मेरा इंस्टीट्यूट खड़ा है 2009 से मैं 2011 तक इंस्टीट्यूट कंटिन्यू चलाया, बहुत बंदा को सर्विस मिला,
2011 से मेरा सर्विस टाइम मैं इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं था, उसके बाद 2015 से दोबारा इंस्टीट्यूट मेरा हाथ में ही है। दोस्तों जितना भी ज्ञान थोड़ा जो तजुर्बा है उसे हम बता सकते हैं। और एक बात है, हम एक बंदा को उसके लायक बना सकते हैं, पढ़ाई का जरूरत नहीं है, ठीक है, उसके इतना मार्क्स ले आने का जरूरत नहीं है, पर इसका दिल है, फौजी में सर्विस करना चाहते हैं, उसका मेजरमेंट मेडिकल फिट है, तो उसका 3 महीने के अंदर 100% लाइफ बना सकते हैं। दोस्तों सर्विस मिलना ना मिलना है तो बात की बात है, पर पहले उसको तो मालूम पड़ जाता मैं लाइक हो गया हूँ। लाइक होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोग जो एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए बहुत दिन से तैयारी कर रहे हो, उन लोगों का कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपका मेहनत का फल बहुत जल्दी आने वाला है। जो अभी तक शुरू नहीं किया, जो मेरा दोस्त लोग, उसके पास अभी भी रास्ता है, वे है, वो जरूर तैयार हो सकते हैं, इससे फायदा होगा, उन लोगों का जो टारगेट है वो टारगेट मिल जाएगा। पर अभी भी जो तैयारी नहीं शुरू करेगा उसके लिए बुरा न्यूज़ है, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, बहुत टफ कंपटीशन, टफ होना भी चाहिए। पर एक चीज़ है, जो बंदा सोच रहे हो ना, जो मतलब स्कैम करके मिल जाता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा उन्हें, उन लोगों के लिए बुरी न्यूज़ है, इस साल एसएससी ऑनलाइन होगा और इस साल और भी तकड़ा होगा, क्योंकि दिल्ली में धरना दिया, बहुत कुछ अभी चेंज हो गया। ओनली लाइक जो ओनली लाइक बंदा को एसएससी मिलेगा और मिलना भी चाहिए। जो गरीब घर से है उसको तो पक्का बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। दोस्तों एक ही वे है, जो आपका खुद का पाँव में खड़ा होना खड़ा हो सकते हैं, दूसरा कुछ भी में कितना आपका टॉप कंडीशन है उससे तो एसएससी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि एसएससी में 80% 70% लड़का पहले तो फिजिकल में निकल दिया जाता है, और उससे भी पहले आधा लड़का मेजरमेंट में निकल दिया जाता है। तो जो 30% रहते हैं वो 30% बहुत अच्छा फिजिकल कर लेता है, पर रिटर्न के लिए ज़्यादा तैयारी नहीं करता। दोस्तों इस बार ऑनलाइन फॉर्म होगा, इसलिए थोड़ा ऑनलाइन भी उन लोगों का रेडी होना चाहिए। और जो बंदा वो 30% के अंदर है, उन लोगों के पास एक ही रिक्वेस्ट है, अब मेहनत करो। जैसे आप लोग ग्राउंड तैयार कर रहे हो, सेम जैसे आप ग्राउंड तैयार कर रहे हो, सेम आप रिटेन के लिए तैयार करो यार। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मिजोरम से जो बंदा आना चाहते हैं, अभी इसके पहले हम लोग जो जो स्टेट का ये किया था, अभी और एक स्टेट इंक्लूड किया, वो है मिजोरम और मेघालय। मेघालय से जो बंदा आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, उसका एडमिशन के लिए हम लोग ओपन किया है। पर दोस्तों हम नहीं चाहते एक साथ 200-250 बंदा को तैयार करें, हम चाहते हैं 20-30 बंदा को एक साथ क्लास दिया जाएगा, इससे हर बंदा के पास हम जा सकते हैं, हमारा जो टीचर सर लोग हैं वो लोग जा सकते हैं, और उन लोगों को जो घर छोड़ के इतना दूर आ रहे हो, जिस मकसद से आ रहे हो, वो हासिल होना ही चाहिए। दोस्तों आपका सर्विस मिलना ना मिलना सिर्फ आपका ही हाथ में है, सिर्फ आपका ही हाथ में है, आप खुद को चेंज कर सकते हो और दूसरे कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद है आपका ये वीडियो अच्छा लगेगा, लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, कोई भी सवाल है कमेंट कर दीजिए प्लीज़, और आपका
जो नया फ्रेंड है हमारा, उसका एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में जो बेल वाला आइकन है वो घंटी को बजा दीजिए। पर एक चीज हाथ जोड़ते हैं भाई, जो नालायक बंदा है ना, प्लीज प्लीज मेरा अनसब्सक्राइब कर दीजिए, आपका लायक ही नहीं है सब्सक्राइब करने का, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, बढ़िया रहो और वॉच करने के लिए थैंक्स, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।